नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 7 के लिए विज्ञान साइंस सेट बी। सेट ए आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। आपको हम पांच को सेट बना रहे हैं, पांचों सेट में से आपका सवाल आएगा, पांचों सेट आप तैयारी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगहों को आपको जो है भरना है। बल्ब का देखिए यहाँ भराएगा फिलामेंट तप्त होकर प्रकाश देता है, फिलामेंट यहाँ आपका भराएगा फिलामेंट आपको भरना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है नीला थोथा कॉपर सल्फेट का एक लवण है, यहाँ लवण भराएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। नर एवं मादा युग्मकों को मिलने से युग्मज का निर्माण होता है, युग्मज भराएगा यहाँ पे। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। दूसरा सवाल है जाड़े के दिनों में किस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, तो ऊनी वस्त्र ग नंबर आंसर। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है चिकनी मिट्टी में। उसके बाद तीन नंबर सवाल है मछली में श्वसन के कौन अंग हैं, तो गलफड़ा घ नंबर। नर एवं मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, चार नंबर क्वेश्चन है, तो निषेचन कहलाता है, हमारा आंसर होगा ख नंबर। पांचवा नंबर है रक्त का लाल रंग किस वड़क के कारण होता है, तो वड़क के कारण होता है रक्त वाला, तो ये आपका हो जाएगा घ नंबर, होमोग्लोबिन। अब आपका सवाल है सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं, तो दोस्तों ये आपको आकर्षित करते हैं, सही है। दूसरा है हमारा हृदय चार कक्षों में बांटा होता है, ये भी हमारा सही है। तीसरा है CFL में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, ये भी हमारा क्या है, सही है। प्रोटीन का पाचन मुख्य अंग से आरंभ हो जाता है, ये भी सही है। धमनी ऑक्सीजन की समृद्ध होती है, ये भी सही है। उसके बाद सवाल है कोकून को एक सही समय पर पानी में उबालना क्यों जरूरी है, देखिए कोकून को सही समय पर पानी में उबालना चाहिए ताकि उसमें से रेशम की रेशों आसानी से अलग हो जाए, ठीक है। उसके बाद है आपका सवाल समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए, देखिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के वस्तु का आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी समान होती है, प्रतिबिंब इसमें हमेशा सीधा बनता है और प्रतिबिंब सदैव जो है आभासी बनता है, ठीक है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताइए, देखिए श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व है श्वसन शरीर की कोशिकाओं में उपलब्ध ग्लूकोज अणुओं को रासायनिक अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे चार नंबर कोकून को सही समय पानी में उबालना चाहिए कैसे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है, और छठवां नंबर सवाल था श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताएं। तो ये आपका क्वेश्चन 4, 5 और 6 का आंसर है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट सेट जो है आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 वीडियो देखना है साइंस के लिए। थैंक यू दोस्तों, मैथ का भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर।